वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट HIIT को कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं, बिकॉज HIIT एक ऐसा एक्सरसाइज प्रोग्राम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे उन किसी को नॉलेज ना हो उस चीज़ के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, या फिर कोई वर्कआउट करना नहीं पसंद करता जिम में। किसी भी तरह की कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो हमेशा HIIT को प्रेफर करते हैं। बट आज इस पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी मेक आर HIIT बेटर, उसके रिजल्ट्स कितनी अच्छे तरीके से हमें मिल सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जबकि हम वर्कआउट कर रहे हैं, HIIT परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी, जितने भी मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं आप देख पाओगे। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर HIIT से रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखे, जो अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ यहाँ ब्लिंक हो रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। बट उस वीडियो को कैसे, उस एक्सरसाइज पैटर्न को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। HIIT के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि HIIT क्या होती है। HIIT बोले तो एक कार्डियो का एडवांस वर्जन होता है। कार्डियो में जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हम हमेशा फोकस कार्डियो इसलिए करते हैं कि फैट लॉस में हेल्प करता है, और जो HIIT होता है वो कार्डियो का एडवांस वर्जन होने की वजह से आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, बिकॉज आप HIIT मोस्टली बॉडी से परफॉर्म करते हो और कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस पैटर्न फॉलो करते हो। जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस पैटर्न फॉलो आप करते हो, आपके डिफरेंट मसल ग्रुप एक टाइम पे यूटिलाइज होते हैं और वो फैट लॉस करने में हेल्प करता है। HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का यही सबसे बड़ा फंडा होता है कि जब किसी इंसान को फैट लॉस करना है, चाहे वो बिगनर, एडवांस, इंटरमीडिएट, किसी भी तरह को, मैं भी इसको फॉलो करता हूं, तो उस टाइम पे ये चीज़ को फॉलो किया जाता है अगर आपने फैट लॉस करना है, बिकॉज डिफरेंट मसल ग्रुप आपके एक ही टाइम पे यूटिलाइज होते हैं और आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है और आपका जो वर्कआउट करने की जो इंटेंसिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है HIIT के फॉर्म में रेदर देन कार्डियो के फॉर्म में। तो व्हाट टू ईट बिफोर HIIT से पहले क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी जिससे कि हमारी इंटेंसिटी का लेवल बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 45 मिनट्स के लिए HIIT करते हो तो आप 15 मिनट का एक सर्कल जो होता है HIIT का परफॉर्म करते हो, एक सर्कल परफॉर्म करने के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, उसके बाद आप फिर परफॉर्म करते हो 15 मिनट्स का, तो 15 मिनट की स्टार्टिंग के टाइम पे आपकी इंटेंसिटी बहुत ही अच्छी रहती है, बट आगे के टाइम में आपकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसको कैसे मेंटेन रखना पड़ता है जिससे कि हमारा मैक्सिमम फैट लॉस में वो हेल्प करे, सबसे पहली चीज़ आपको कार्बोहाइड्रेट के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब भी आपका HIIT वाला वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खाइए। अब कार्बोहाइड्रेट में भी दो तरह के डेफिनेशन होती है, एक होता है सिंपल कार्ब जो कि आपका वाइट शुगर और वाइट ब्रेड और इन चीज़ों में आता है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब जो कि आपका ब्राउन चीज़ों के बीच में मोस्टली पाया जाता है। सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चूज़ करना है कि अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर कार्डियो कर रहे हैं या फिर HIIT कर रहे हैं, तो आपको क्या चूज़ करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट उसी हिसाब से चूज़ करना है, ठीक है। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को चूज़ करें, और जब आप उनको चूज़ करेंगे बिकॉज वो डाइजेस्ट स्लो होते हैं, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जब आप HIIT कर रहे होंगे तो आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी कम नहीं होगी, आपके मसल को वो सारा का सारा फ्यूल मिलता जाएगा वर्कआउट के टाइम पे। दूसरी चीज, आप प्रोटीन भी ले सकते हैं प्री वर्कआउट के टाइम पे जब आप HIIT परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोटीन में आप एग्स ले सकते हैं, टर्की ले सकते हैं, और आप फिश ले सकते हैं, इस तरह की चीजें ले सकते हैं। आगे हम और डिटेल में बात करेंगे इस बारे में कि कब ले सकते हैं, कितने टाइम का ड्यूरेशन होना चाहिए, बट ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप HIIT परफॉर्म कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। व्हेन टू ईट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप किसी भी तरह का एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। पर आज हम HIIT के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने इस सेक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। या तो आप 2 से 3 घंटे पहले खाएं,
या फिर आप एक घंटा पहले खाएं, 60 मिनट्स पहले, या फिर 10 से 15 मिनट्स पहले खाएं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, जो मेरे भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पास इनफ टाइम होता है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वर्कआउट उनको पता है कि मुझे 6 o'clock या 7 o'clock वर्कआउट करना है, तो वो 4 और 4:30 के बीच में अपनी चीज़ों को चूज़ करते हैं, अपने खाने को चूज़ करते हैं। और उसमें क्या चूज़ करते हैं, वो ओट्स से बनी हुई चीज़ें चूज़ करते हैं। अगर किसी ने ओट्स कैसे बनाए जाते हैं वो वीडियो नहीं देखा मेरे चैनल पे, यहाँ ब्लिंक हो रहा है, उसको देखो, पता लगेगा कि ओट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्ब चूज करते हैं 2 घंटे पहले, बिकॉज अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर आपने जो खाना खाया हुआ है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आपको वर्कआउट करने के टाइम पे क्रैम्स होंगे। दूसरी चीज़, जो 60 मिनट्स का वर्कआउट है उसमें थोड़ा लाइट चूज़ किया जाता है, बिकॉज हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट कर रहे हैं या फिर कोई भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ओवरलोड नहीं करना अपने पेट को, और आपको फ्यूल भी अच्छे लेवल पे मिलना चाहिए। तो जब 60 मिनट्स वाला प्रोसीजर होता है तो 60 मिनट्स में आप सिंपल कार्ब चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। तो जल्दी डाइजेस्ट में आप बनाना चूज़ कर लो, ठीक है, आप वाइट ब्रेड के साथ में टोस्ट बना लो, इस तरह की चीज़ें चूज़ कर लो, कॉम्प्लेक्स मत चूज़ करो। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो 10 से 15 मिनट, कुछ लोगों के पास बिजी शेड्यूल होता है और कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, ऑफिस से सीधा निकले और सीधा निकलने के बाद आप सीधे आ गए जिम में वर्कआउट करने के लिए, तो हमेशा मैं उनको ये प्रेफर करता हूँ कि यार अपना लिक्विड से रिलेटेड कोई चीज़ लें, कोई हैवी चीज़ ना लें, ठीक है, जेलीज ले सकते हैं अपने आप को हिट करने के लिए, और बनाना ले सकते हैं, पर लाइट, हाफ मीडियम बनाना ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं ले सकते आप, तो जिससे कि आपको अच्छी इंटेंसिटी का वर्कआउट करने में वो हेल्प करेगा सारा का सारा। तो 3 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, अब चूज़ आपको करना है कि आप किस स्लॉट में आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं उसमें से ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, वाटर इनटेक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप HIIT कर रहे हो, बिकॉज जब आप HIIT करते हो आपका जितना भी वाटर लेवल है वो स्वेटिंग के फॉर्म में बाहर निकलता है और आपको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश करिए कि जिस दिन आप अपना HIIT करने वाले हो तो आप उस दिन अपने वाटर की इनटेक एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेज ज़्यादा रखो, बिकॉज बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए। अगर डिहाइड्रेट रहेगी तो, और आप वर्कआउट परफॉर्म करोगे तो आप अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी उस लेवल तक नहीं ले जा सकते, और आपका जो गोल है आप उसको अचीव करने में आपकी ड्यूरेशन हमेशा ही बढ़ती ही जाएगी। बिकॉज अगर आपको वो वर्कआउट 45 मिनट्स या 35 मिनट्स तक परफॉर्म करना है, अगर आपने सही से कार्ब्स नहीं रखे, आपने टाइमिंग नहीं दे रखा, आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आप कैसे, आपकी सांस फूलती जाएगी, आप उस लेवल को कंप्लीट नहीं कर पाओगे और आप खींचोगे बहुत ज़्यादा, और अगर आप जब खींचोगे तो आप अगले दिन के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, आप बोलोगे बस हो गया अब नहीं कर सकता मैं अगले दिन। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप HIIT परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको फैट लॉस करना है अच्छे तरीके से, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिससे कि आपके आउटपुट अच्छा निकल के आए। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने HIIT के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको क्या चीज़ें प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए जब भी आप HIIT परफॉर्म कर रहे हैं। अगर चैनल पे कोई नया आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस किए बिना ना जाएं। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी, और जितने भी वीडियोज़ मैं डालता हूँ, मोस्टली मैं अपने वीडियोज़ वेडनेसडे को 12:30 बजे डालता हूँ हर वीक, तो आप तक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगी और होपफुली वो वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा। तो थैंक यू गाइज फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी। जाइए मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए और आपको पता लगेगा कि और किस तरह के वीडियोज़, न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोज़, एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोज़ सब मिलेगा आपको मेरे चैनल पर।